तना, ओ माय गॉड। तो देखिए गाइस, दूल्हा रेडी है, चलो चलते हैं बारात भैया, चलो चले। नहीं नहीं सही है सही है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ब्लॉग चैनल पर। तो सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। लेकिन साधना देखो मुंह बनाए हैं, साधना इसलिए मुंह बनाए हैं क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले थे मार्केट, जो हमारी शादी की शॉपिंग बची है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन पापा ने मना कर दिया, मैंने भी मना कर दिया कि दोपहर में अभी धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो अभी नहीं जाते। पापा ने काम के पीछे कह दी और मैंने धूप की वजह से कह दी। तो चलो अभी शाम को जाएंगे अब, ठीक है गाइस। सभी बोलो राधे राधे। तुम इतने दिन से कहाँ गई थी? मैं तो शादी में देखती। किसकी शादी में? आपकी। आपकी? हाँ। मेरी शादी तो बहुत पहले हो गई। तुम यहाँ किस लिए आई हमारे घर पे? नो, कढ़ी चावल खाने आए। अच्छा, कढ़ी चावल खाने आए। हाँ। तो गाइस अबनी को खाने हैं कढ़ी चावल, जो कि 8 दिन से नहीं आई है अभी, और कढ़ी चावल का बोला भैया ने तो जे आ गई खाने के लिए। तो अभी फिर हम बना रहे हैं कढ़ी चावल, ठीक है। हाँ। यहाँ देखिए गेहूँ बन रहा, साक्षी भी है। क्या कह रहे हो, क्या चाहिए? पैसे चाहिए? हाँ। कितने रुपए चाहिए? पाँच। लो तो 5 का ही लेके आया हम। सुनो, इसको इसको ना मुंह में मत खाना, ठीक है? नहीं तो फिर हम साक्षी को भेजते हैं दुकान पे। क्या खाना है तुम्हें? खाना बिस्कुट। हाँ। चले जाओ। क्रीम वाला? क्रीम वाला। हाँ। अच्छा चलो, सबको एक बार बोल दो राधे राधे। बोल दो राधे राधे। कैसे हो? अच्छे हो? इतने दिनों से कहाँ गए थे तुम? शादी में। शादी में गए थे? तो इतने दिनों से अबनी नहीं दिख रही थी तो अबनी गई थी शादी में। अबनी तुमने बाल कैसे कटवाए? मम्मी ने काटे। मम्मी ने बाल काट दिए? हाँ। अब देखो तुम फिर ऐसे मुंह में मत दो। साक्षी इसके साथ चली जाओ दुकान पे, जो भी इसको लेना हो दिलवा के वहाँ जाना। जाओ, गेहूँ बीन रहे हैं, शादी आने वाली है घर पे, तो बढ़िया आटे की व्यवस्था बना रहे हैं ये लोग। कार्टून? हाँ। कार्टून देखना है? हाँ। तो देखो गाइस, अबनी को टीवी में कार्टून देखने हैं तो लगा देते हैं हम, ठीक है? तो अब नहीं देख रही है कार्टून। अब अभी फिलहाल हम देख रहे हैं अनिकेत की वीडियो, मतलब कि साधना के भाई की प्रैंक वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ मम्मी भी देख रही हैं, साधना तो देखेगी, साक्षी भी देख रही है, और हमारा लंच भी आ गया है। आज है लंच में आलू टमाटर की सब्जी और रोटी चावल, तो करते हैं अपना लंच। चलो उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो, लेट हो रहा है। तो गाइस अभी हम मम्मी साधना हम लोग सब लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाजार। तो मम्मी सो गई, देखो हमसे कह के बाजार जाना है और खुद सो गई थी आगे। चलो उठो, जल्दी उठो। इस प्लान कैंसिल हो गया, देखो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो प्लान कैंसिल हो गया। अभी अब हम लोग जाएंगे, मतलब जाएंगे आज ही, लेकिन शाम को जाएंगे, अभी दोपहर में नहीं जा रहे हैं। और वहाँ देखो साधना गुस्सा हो गई, कैसे मुंह बना लिया। जल्दी आ जाइयो कुआ पे, ठीक है? खेत से जल्दी आ जाइयो। वो तो कितने बजे तक? 5 बजे तक आ जाइयो। साक्षी कहाँ? साक्षी कहाँ गई? साक्षी छत से कपड़े लेके आई है। साक्षी छत पे नहीं जाएगा, तो जैसे तैसे तो इतनी गोरी भाई, मैं तो मुझे बहुत चिंता हो है। तो ब्याह में फिर अनिकित भैया के ब्याह में कारी लगे, वीडियो में कारी लगे ब्याह की, इनकी राहुल जीजू की शादी में भी तो कारी लगे है। धूप में जाए तो मुँह पे कपड़ा बांध के जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे साधना किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? मौसी की मोड़ी। मौसी की मोड़ी है? हाँ। और यहाँ देखो इन लोगों की चल रही है कलींदे की पार्टी, कलींदो खा रहे हैं। और साक्षी देखो, साक्षी कितनो कलींदो खा गई? कलींदो नहीं, वो फिर तरबूज। अरे तरबूज तुम शहर के आदमी, हमें तो अब कलींदो ही दिखाओ, हम तो गांव के है ना। साक्षी तो खूब कलींदो खा रही। साक्षी कैसे है कलींदो? बढ़िया। ये जो तो भी चपक होते मुड़ी पे, आओ जदे जो कारो तिले मुँह लग रहा, जो कारो भीजा चिपक गो मुड़ी पे। ये देखो गाइस अपनी क्या लेके आई हो अपनी? ये तो गुड्डा है। गुड्डा है? कौन है ये तुम्हारे? इसका नाम क्या है? दीदी।
दीदी नाम है इसका। हाँ। देखो ये नेहासा भी आई है हमारे घर पे। हाय नेहासा, कैसे हो? हाय चाचू, कैसे हो? बढ़िया। और अबनी कुछ हाँ? कुछ कहना चाहोगे सब लोगों को, पब्लिक को, यूट्यूब फैमिली को कुछ कहना चाहोगे? क्यों, वो सब बोल रहे थे इतने दिनों से अबनी पता नहीं कहाँ चली गई, अबनी को क्यों नहीं दिखाते हो। तो मैंने कहा पता नहीं अबनी आती नहीं है, फिर मुझे कल पता चला कि अबनी तो शादी में गई थी इसलिए अबनी आती नहीं थी। तो फिलहाल शाम के वही 6 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं कार लेने के लिए। कार यहाँ पे लगाएंगे घर के बाहर, क्योंकि हम लोग सब लोग मार्केट जाने वाले हैं शादी की शॉपिंग के लिए। राहुल को शादी के कपड़े दिलवाने हैं और जो भी छोटा मोटा सामान सब रह गया वो सब ले आएंगे आज। आज सारी शॉपिंग हो जाएगी, तो कार से जा रहे हैं। अभी कार से हम इसलिए नहीं जाते हैं ज़्यादा क्योंकि साधना को उल्टी होती है, बट फिर जब मजबूरी हो क्योंकि ज़्यादा सामान लाना हो तो फिर कार लेके ही जानी पड़ेगी। तो कार निकाल के लेके आते हैं और यहाँ लगाते हैं। गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा गंदी है, इसको साफ करना पड़ेगा हमको। पानी की बोल नहीं लग पे राहुल, गंदी गाड़ी से चले, गंदी है बहुत गाड़ी। जगह कर रहे हैं पानी पिला रहे हेलो नेहासा, हेलो हेलो हेलो। जब ये बड़ी हो जाएगी तब अपनी वीडियो देखेगी, कहेगी मैं कितनी छोटी थी। हाय कह रही हाय। हाँ जब ये साधना बराबर हो जाएगी कहेगी मैं नहीं हूँ मैं, ये तो और कोई है। इतना बहस है कि हम कैसे लगते। अबनी कहाँ दौड़ रही हो? हैं? घरे जा रही है। देखो गाइस अबनी का घर ये देखिएगा। ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसका नाम है नोकिया। भाई आप अपना नाम बताइए, आपका नोकिया नाम क्यों रखा है किसी ने? हैं? शर्मा क्यों रहे हो आप इतना? देखो कितना शर्मा रहा है। बताना नाम तेरा नोकिया क्यों रखा किसी ने? गोलू ने। गोलू कौन था ये? अच्छा गोलू ने नाम रखा, कोई लड़का होगा। है पर रखा क्यों है, नोकिया नाम क्यों रखा है ये तो बता दे भाई। तू बता ना। मुझे क्या पता तेरा नाम रखा है नोकिया, मतलब फोन हो गया? नाम नहीं है, ब्रांड है नोकिया। अच्छा ब्रांड है ये, छुप रहा है देखो फोन से। अच्छा छुप जा, बंद कर दूं वीडियो, बंद कर दूं तभी बात करेगा? हैं? वीडियो बंद करूं कि बना लूं? और क्या कह रहा बता, देखो कुछ बोली। इसका नाम है भाई नोकिया और नोकिया शर्मा रहा है पता नहीं क्यों। गाइस गाड़ी तो बहुत ज़्यादा गंदी है और हमने साफ भी नहीं की, इसलिए साफ नहीं की हमने क्योंकि राई माई। तो ऋषभ जा रहा है और देखो ये साधना गाड़ी में बैठते ही साथ मुंह बंद कर लेती है। मम्मी है, साक्षी है और राहुल है। तो हम गाड़ी है मतलब पे। तो हम लोग 6 लोग जा रहे हैं, सो चलो चलते हैं। लेट्स गो। तो गाइस आप गाड़ी में गाने सुन रहे हो ना, ये लोकगीत चल रहा है और ये चल रहा है साधना की डिमांड पे। कल आए थे बहुत अति जाती बहुत। बोलिए आप। हमें मना कर रखी है। हाँ, आपको क्या आप मना कर रखी है? गाइस देखिए एक बात बताइए, हम मानिक चौक आए बाजार, ठीक है? यहाँ ये पार्किंग है, पूरी पार्किंग होती है यहाँ पे, कार पार्क होती है, ठीक है? और भैया जी बोल रहे हैं यहाँ कार पार्क नहीं करोगे, कहाँ पार्क करेंगे बताइए? बताओ ये पार्किंग में गाड़ी पार्क नहीं करेंगे कैसे? मतलब हम इनसे आम लोगों के लिए आप बने हो और आम लोगों को ही परेशान कर रहे हो आप, क्या चीज़ है बताइए? आपको कानून में किस चीज़ के लिए रखा गया है? हम लोगों के लिए रखा गया है ना, आम जनता के लिए, आम जनता ही को आप परेशान करोगे। भैया आपको जो करना है करो, ठीक है? ओके। तो गाइज ये देखिए स्कॉर्पियो खड़ी है, मतलब पार्किंग में ही है ये, नो पार्किंग में नहीं है। और ये सब ने इसका नंबर डाल के निकाला और ये देखो इसका चालान कट गया है। अभी ये कब कटा? आज ही कटा ना, 7 तारीख को, मतलब इसका चालान काट दिया 500 रुपए का। और ये चालान क्यों कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं चालान ये बताओ? अब उन्होंने ये बोला कि मतलब यहाँ से हटाओ, दूसरे यहाँ पार्किंग में लगाओ। अरे यार तो पार्किंग में नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ लगाएंगे जी बताओ? है? की मुड़ी पे लगाया।
गाइस अभी मैं और ऋषभ जा रहे हैं घर पे और गाड़ी लेके जा रहे हैं कार, वो इसलिए क्योंकि कहीं पार्किंग नहीं मिल रही हम लोगों को। आप देख सकते हो पीछे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हमें पार्किंग मिली कहाँ पे है, कहाँ पे मिली है, जहाँ पे हम लोगों ने साधना, मम्मी, राहुल और साक्षी को उतारा है मानिक चौक में जहाँ शॉपिंग करनी हमें, वहाँ से कितनी किलोमीटर होगी है? दो या ढाई किलोमीटर होगा। 2-2.5 किलोमीटर दूर हमें पार्किंग मिली है, वहाँ पार्किंग ही नहीं है। मतलब पार्किंग तो है, खाली तो है सब, लेकिन पार्किंग वहाँ कर रहा है अगर कोई भी तो चालान कट रहे हैं, और चालान इसलिए कट रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं और आपको ऑनलाइन दिखाया भी है, ऑनलाइन चालान भी कट रहे हैं। तो हमें जाके यहाँ पे पार्किंग मिली है और ये पार्किंग है होटल वालों की, तो अब देखते हैं कहीं ये परेशान ना करें। अब जो भी है चलो अब चलते हैं पैदल, इतना दूर पैदल चल के जाना है तो चलो जल्दी से जल्दी चलते हैं। वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग थोड़ी बहुत अपन को भी करनी है, चलो चलते हैं। गाइस देखिए ये भाई ने मुझे लिफ्ट दे दी काफ़ी दूर तक वहाँ से एलाइट से, हाँ भैया जा रहा एलाइट से यहाँ तक लिफ्ट दे दी, सो थैंक यू सो मच भाई। अरे कोई नहीं भैया, चलो हाँ चलते हैं सर। लगातार पैदल चल रहे हैं, भाई ने वहाँ तक छोड़ दिया, काफ़ी करीब 1 किलोमीटर उसने छोड़ दिया हमें, और भी आगे छोड़ रहा था वो, तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं थैंक यू। और यहाँ से अभी हम पैदल जा रहे हैं, पेट कम हो जाएगा। मतलब भाई हंसी आ रही है मुझे कि इतनी दूर पार्किंग, देखो पार्किंग देखो ये यहाँ भी गाड़ियाँ लगी हैं, वो गाड़ियाँ लगी हैं, सबके चालान कटे हुए हैं। पता नहीं आप लोग कमेंट करके बताना ये चीज़ सही है या गलत है, मुझे तो नहीं पता, बट आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसा इन लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आम जनता परेशान होती जी। वैसे गाइज आप देख सकते हो मेरे पीछे ये है पार्किंग जहाँ पे हम आए हैं मानिक चौक शॉपिंग करने के लिए, बट यहाँ पे पार्किंग अगर कोई कर रहा है तो उसके चालान कट रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत दूर जाके गाड़ी पार्क करनी पड़ी, वहाँ पार्क करके आए, वहाँ से एक भाई ने लिफ्ट भी दे दी थी और उसके बाद फिर पैदल भी चला है तो थक गए हैं। चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। देखिए जहाँ ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ हम लोग आ चुके हैं और इन लोगों को तो मजे हैं, तुम तो आराम से आ गए यहाँ पर। 2 किलोमीटर दूर पार्किंग मिली कार की, ठीक है। रास्ते ही चले गाड़ी पार्क करके आ चुके हैं हम लोग, आप लोगों को तो पता ही है इतनी दूर से हम लोग पैदल चले आ रहे हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। साक्षी बैठी है यहाँ पे, शॉपिंग हुई साक्षी? नहीं हुई अभी, जब से तुम यहीं पे दुकान पे बैठे बस कोई शॉपिंग नहीं की। देखो भाई इन लोगों ने जब से शॉपिंग भी नहीं की, अब और टाइम लगाओगे तुम लोग, वहाँ इतनी दूर गाड़ी पार्क करके आया, वहाँ पता नहीं कैसी क्या होगा, जल्दी करो शॉपिंग, ठीक है। अपन तो बहुत गरीब हैं, कीपैड मोबाइल चलाते हैं, मगर जो अपनी मैडम है वो बहुत अमीर है, उनके पास जरूर 15-16 हज़ार का मोबाइल है। ओह माय गॉड, तो आप आईडी बता दीजिए, मैं यूट्यूब पे फिर घर पे देख रहा हूँ। तो भैया बोल रहे हैं हमें अपनी वीडियो देखनी है जो इनकी बनाई थी गुटका वाली। हाँ चलो दिखाते हैं हम अभी आपको। मम्मी भी आ गई हैं, कहाँ गई थी इतनी देर से तुम? हैं कहाँ गए थे? दिमाग खराब हो, क्या हो गया बताओ तो। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी ये लोग आई हैं अब चूड़ी खरीदने के लिए, चूड़ियाँ खरीद लो भाई, चूड़ियाँ कंगन। तुमने वो साड़ी वाली दुकान से अभी कुछ खरीदा है क्या? हाँ। क्या खरीदा? एक सूट खरीदा, एक चूड़ी खरीदी, 3 साड़ियाँ खरीदे और डली भी थी तैयार करने के लिए पहले। अच्छा इतना कुछ खरीदा, सब तैयार हो गया? हाँ। चलो ठीक है। अब उसके बाद ये लोग आई हैं देखिए कंगन अंगन खरीदने के लिए और चूड़ियाँ खरीदने के लिए। साक्षी खड़ी हो तुम, बैठ जाओ, अच्छी नहीं लगा तुम खड़ी, बैठ जाओ। हाँ ऐसी बैठ जाओ, थक जाओ ना तुम, ज्यादा ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, दूध तुम्हें पचत नहीं है काहे की। OMG गाइस कैन यू गेस दिस, ये कितने के हो सकते हैं? आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितने के हैं ये? 1500 1.5 लाख के। 1500 रुपए की कंगन है। और तो ये कंगन किस चीज के लिए ले रहे हो तुम? जवाब ही नहीं देते यार यूट्यूबर का। कंगन ले किस चीज के लिए ले रहे ये तो बताओ। जिन्हें उस वाली दुकान पे कंगन पसंद नहीं आए तो इस वाली दुकान पे आ गए हैं। यहाँ पसंद आ रहे हैं?
मास्क तो हटा ले। हाँ, अच्छा है। ये जो सलोनी का लहंगा है ना, उसके जो कंगन का सेट पूरा बन गया है, ये फाइनल कर दिया, ले लिया ना ये वाला। हाँ। चलो ठीक है, बढ़िया। और साक्षी तुम नहीं ले रही कंगन? नहीं। क्यों, तुम्हारा भी तो लहंगा है तुम्हारे पास? हैं? तेज बोल। अभी ले हो? अच्छा, तो भाई साक्षी के पास भी लहंगा है, साक्षी भी लेगी अभी कंगन थोड़ी देर में। ले हो गए? उदास क्यों हो गई? कुछ दिला नहीं था ये लोग ना, इसीलिए उदास हो गई। तो ये कार में बैठती है तो इसको उल्टी आने लगती है, इसीलिए ये थोड़ा सैड हो गई है। साधना काफी बार ब्लॉग में बोल चुकी है कि मुझे ये कंगन नहीं दिलवाते, कंगन नहीं। आज तुम्हें जितने कंगन लेने हो उतने कंगन ले, वाले खरीदेंगे, ठीक है? हम सस्ते जो भी लेने हो ले लो, बाद में नहीं कहोगे तुम, ठीक है? मम्मी जो कहें इतने महंगे ले। ऑफर क्लोजेस सून, ओके? तो अभी फिलहाल कौन से वाले लिए अभी तुमने? ये वाले। तो देखो, एक ये साधना के कंगन का सेट बन चुका है, एक ये भी सेट बन चुका है। कहा यार तुम रेसा कहा यार, मतलब एक बात बताओ, कंगन है और मेकअप को भी इतना सामान, अपन लुक पे ना जी कंगन मंगे अपन लुक। ये देखो देखो तुम, टी शर्ट और पैंट बस ऐसे चले आए, और यहाँ पे इतना खर्चा होता है भैया क्या बताएं। इतने जोड़ी कंगन खरीद चुकी है साधना भी, तो 1 2 3 4 5 जोड़ी कंगन, और अभी और भी कंगन देख रही है, देख लो भैया, मतलब क्या बताएं। फाइनली इतने सारे कंगन ले लिए, ये सलोनी के, ये साधना के इतने जोड़ी साधना के, और एक जोड़ी ये सलोनी के ना, ऐसे ही है। अच्छा, जे भी सलोनी के हैं, जे साधना के और ये सलोनी के इतने, क्योंकि उसकी लहंगा है, साड़ियां हैं, तो उनके लिए अलग से। अब भैया पैसे जोड़ रहे हैं, भैया थोड़ा सा ऑफर ऑफर दे देना, डिस्काउंट कर देना थोड़ा सा। ये फाइनली कंगन ले लिए हैं, और ये सारे कंगन पड़े हैं 3000 रुपए के। अभी हमें अब राहुल को शादी के कपड़े दिलवाने हैं, तो इस वाली शॉप के अंदर चलते हैं। ये देखो ये बैठे दोनों। हाँ, तो ब्याह की लागत यहीं से ले गए थे। हाँ, मेरी शादी में भी यहीं से लिए थे, यशपाल की शादी में भी यहीं से लिए थे, और राहुल की शादी में भी यहीं से ले रहे हैं। चलो जी बता, लेना क्या है? शेरवानी के कोट पैंट? शेरवानी। शेरवानी तुम बताओ। शेरवानी गर्मी है, बगल में शेर चले। आप बताओ। वही जान है मुकादम। अच्छा चलो, तो भैया शेरवानी दिखा दो। शेरवानी अच्छी लगी। ये नीचे पजामी, पजामी है ना, पजामी पहन लिए राहुल ने। कैसा 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 लग रहा है इसमें? गंगाधर राव, हमने कही तो है, हमने की तुम्हें पहली बार में है। चलो तो देखो, अभी फिलहाल ये पहना है राहुल ने। वाह क्या लग रहा है, डनन डनन। पलटो पलटेगा वो यहाँ पे, आगे से क्यों बनाऊंगा, पलटेगा वो। ये लोग देखो यहाँ बैठ गए हैं सब, वहाँ राहुल को तैयार कर रहे हैं भैया। टना, ओ माय गॉड। तो देखिए गाइस, दूल्हा रेडी है, चलो चलते हैं बारात भैया, चलो चले, बढ़िया लग रहा है। वो तो दूसरी आ जाएगी, वो दूसरी आ जाएगी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जरा देखा, यहाँ सीधा हो, रुकना भैया। तो गाइस कमेंट करिए कैसा लग रहा है ये, आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है ये वाला। चलो आप लोग बताओ, आप कैसा लग रहा है, बढ़िया? अरे कैसा लग रहा है ये वाला, बढ़िया? ज़्यादा फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, फिर जो अच्छा लगा वही ले। हाँ नहीं नहीं सही है सही है वो तो। चलो देखो इधर भैया, आप भी थोड़ा साइड में हो जाओ। स्माइल ले लाल फेस पे। यही डन। अरे बड़ा बड़ा तो गाइस देखिए, एक मिनट सुन ही नहीं रहे, रुक जाओ। तो गाइस यही कपड़े डन कर दिए, यही कपड़े ले रहे हैं, एक ही बार में पहना है और एक ही बार में डन कर दिए, ठीक है ना? सही है ना? बस और क्या चाहिए। Nonsense that you